am very proud to be able to sign the Daniel Pearl Freedom of the Press Act. Our government is committed to helping promote internet freedom. नाज़रीन, दुनिया भर में तहलका मचाने वाली वेबसाइट विकीलीक्स, वही विकीलीक्स वेबसाइट जिसने अमरीकी राज अफशा करके पाकिस्तान, मशरक़ वुस्ता और दुनिया के तमाम इलाकों को हिला के रख दिया। उस विकीलीक्स के बानी, उसके मूजिद, उसके फाउंडर जूलियन असांज को गुज़श्ता रोज लंदन में अमरीका के बेहद दबाव के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो भी बहुत घटिया और बहुत मज़क्का खेज़ हैं, और अक्सर जो ऑब्जर्वर हैं, तज़िया निगार हैं, उनका ये ख्याल है कि ये इल्ज़ाम महज उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तीसरे दर्जे के हथकंडों के तौर पे लगाए गए। इस सूरत हाल का सबसे पहला जो बड़ा मज़क्का खेज़ पहलू है वो ये है कि वो अमरीकी नाजरीन, जब से हमने शऊर संभाला है, जब से हमने आँखें खोली हैं, ये अमरीकी हुकूमतें, ये अमरीकी इदारे, ये अमरीकी सियासतदान, ये अमरीकी सैनेटर्स, ये अमरीकी कांग्रेस और ये अमेरिकन मीडिया जो है, ये हमें आज़ादी सहाफ़त पर, शफाफियत पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे मसलसल लेक्चर देता चला आ रहा है। ये वही अमरीकी हुकूमत है, प्रेसिडेंट ओबामा की और क्लिंटन की, जो मसलसल कह रही है कि इंटरनेट की फ्रीडम जो है ये उसकी सबसे बड़ी मुहाफिज है, और इस नारे को एक स्लोगन के तौर पे, इसको एक डंडे के तौर पे इस्तेमाल करती है चीन और बाकी सारी दुनिया के खिलाफ। और यही हुकूमत जो है अब इंटरनेट की आज़ादी को सल्ब करने की, उसे दबा देने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन, इसका दूसरा बड़ा मज़क्का खेज़ पहलू स्वीडन से ताल्लुक़ रखता है। वो स्वीडन जिसने 2007 में, जब आ हज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में काबिल एतराज़ कार्टून बनाए गए, तो यही स्वीडन मुल्क था जिसे दुनिया भर के मुसलमानों ने, दुनिया भर की मुसलमान हुकूमतों ने, वहाँ के वज़रा ने, सफ़ीरों ने ये दरख्वास्त की कि जनाब अपने कवानीन पर कुछ नज़रसानी करें, कुछ इन कार्टून को हटाने की बात करें। तो यही स्वीडन था जिसके प्राइम मिनिस्टर ने, जिसकी हुकूमत ने कहा कि जनाब हमारी हुकूमत बड़ी ट्रांसपेरेंट है, हमारी बड़ी आज़ाद हुकूमत है, हमारी बड़ी टॉलरेंट हुकूमत है। और अब दुनिया भर के अखबारात देख रहे हैं कि यही स्वीडन अमरीका के इशारों पर, चूँकि अब अमरीका का डंडा घूमा है, अब अमरीका की छड़ी घूमी है, तो यही स्वीडन हमें अमरीका के इशारों पर नाचता नज़र आ रहा है। आज का प्रोग्राम, आज की बहस अमरीकी खारजा पॉलिसी की दोगलापन के हवाले से है, और हम ये सवाल उठाना चाहते हैं कि अगर अमरीकियों की खारजा पॉलिसी जिन बुनियादों पे खड़ी थी, जिस इखलाकी चीज़ पे खड़ी थी, अगर वो इखलाकी चीज़ में ये जबों हाली का आल है, उसमें ये कमज़ोरी नज़र आती है, तो इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं हमारे लिए, हमारे मीडिया के लिए, दुनिया भर की हुकूमतों के लिए। इस बहस में मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब अंसार अब्बासी साहब, पाकिस्तान के मुमताज़ तज़िया निगार। उनके साथ नाज़रीन तशरीफ़ रखती हैं पाकिस्तान की उभरती हुई सियासतदान मारवी मेमन साहिबा। और अंसार और मारवी मेरे साथ विकीलीक्स के हवाले से पहले भी एक डिस्कशन में आज से चंद दिन पहले शरीक हो चुके हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के कॉलमनिस्ट, मुमताज़ कॉलमनिस्ट और यूएस पॉलिसी भी बहुत लिखते हैं, मुशर्रफ जैदी साहब। और नाज़रीन, मुझे लंदन से ज्वाइन कर रही हैं मिस आयशा एजाज खान, जो कॉलमनिस्ट भी हैं, एक वकील भी हैं, और इस वक्त लंदन में हैं और सारे वाकयात को लंदन से देख रही हैं। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले कि मैं सवाल उठाऊं, मैं आपको दो छोटे छोटे क्लिप दिखाना चाहता हूं। पहला क्लिप है अमरीकी सदर प्रेसिडेंट बराक ओबामा का, इस साल पांचवें महीने मई का, जब उन्होंने एक फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट पर साइन किए। आई एम वेरी प्राउड टू बी एबल टू साइन The Daniel Pearl Freedom of the Press Act. नाज़रीन, अब देखिए जरा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन इस साल जनवरी में इंटरनेट की फ्रीडम के हवाले से अपनी पॉलिसी क्या कहती है। We stand for a single internet where all of humanity has equal access to knowledge and ideas. And we recognize that the world's information infrastructure will become what we and others make of it. Today we find an urgent need to protect these freedoms on the digital frontiers of the 21st century. Those who disrupt the free flow of information in our society or any other pose a threat to our economy, our government, and our civil society. Countries or individuals that engage in cyber attacks
should face consequences and international condemnation. And we're including internet freedom as a component in the first resolution we introduced after returning to the United Nations Human Rights Council. Our government is committed to helping promote internet freedom. नाज़रीन, अभी आपने सुना अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन साहिबा को, जो इस साल के पहले महीने जनवरी में ये कह रही थी, बता रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी कि कैसे अमेरिका की हुकूमत, उनकी हुकूमत इंटरनेट की आज़ादी और फ्रीडम की सबसे बड़ी महाफिज बन के उभरेगी और वो दुनिया की तमाम हुकूमतों को रोकेगी कि वो इंटरनेट की आज़ादी को सल्व ना कर सकें। अब मैं चलता हूँ लंदन, जहाँ मेरे साथ हैं आयशा एजाज खान साहिबा। आयशा, मुझे ये बताएं, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू। आयशा, मुझे ये बताइए कि आखिर क्या वजह है कि खुद बरतानवी प्रेस, जैसे हमने गार्डियन को देखा, बहुत से और तज्जिया नगार ये महसूस करते हैं कि जूलियन असांज पे जो इल्जाम लगाए गए हैं वो बड़े मजक्का खेज हैं। इसकी क्या वजह है कि सारी दुनिया को ऐसा क्यों लग रहा है कि इल्जाम मजक्का खेज हैं? मोहित, सबसे पहली बात तो ये है कि टाइमिंग का इशू है, बिकॉज अगर ये इल्जाम जो भी हैं ये इस वक्त क्यों उठाए जा रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं उठाए गए इन लीक से पहले? क्योंकि जूलियन स्वीडन में चार हफ्ते पुलिस से ऑलरेडी, जब ये इंसिडेंट्स हुए थे तो ही वाज अवेलेबल फॉर क्वेश्चनिंग। उसके बाद जब वो स्वीडन उन्होंने छोड़ा तो उन्होंने अपने वेयर अबाउट्स बताए, ही वाज नॉट एन अब्सकॉन्डर, तो दे हैड फुल एक्सेस टू हिम। लेकिन कुछ आगे बढ़ी नहीं बात जब तक ये विकीलीक्स का सिलसिला नहीं शुरू हुआ। सो दिस इज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर। अच्छा, लेकिन आयशा, ये हमने ये भी देखा कि जब वो अदालत में पेश हुए कल, तो बहुत से लोगों ने, जिसमें जमायमा खान भी शामिल थी, बहुत से लोगों ने, जिसमें जॉन पिल्जर मशहूर ऑथर भी शामिल थे, जर्नलिस्ट भी शामिल थे, उनकी बेल देने की कोशिश की और उनके वकला ने टोटल $180,000 या पाउंड की तक की जमानत देने की कोशिश की और अदालत ने वो जमानत नहीं मानी। ये बात भी बड़ी मजाक खेज लगी। जी, उन्होंने जिस टेक्निकल ग्राउंड्स पे बेल रिफ्यूज की वो तो ये थी कि जनरली रेप विक्टिम्स को बेल नहीं मिलती, और दूसरी बात उन्होंने ये की कि इनका क्योंकि कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है, जूलियन असांज बहुत ट्रैवल करते हैं तो ही डजंट हैव अ परमानेंट रेजिडेंस, तो ये दो ग्राउंड्स उन्होंने यूज किए टू डिनाई बेल। बट अगेन, वो भी मजाका खेज बात ही थी, क्योंकि जो चार्ज है, जो सो कॉल्ड रेप का चार्ज है, वो बहुत वीक है। अच्छा, मेरे साथ हुई आयशा। देखिए मशरफ, आपकी तरफ आता हूँ कि ये बात बड़ी वाजह है, मेरे हाथ में इनफैक्ट ऐसे पीसेस भी हैं जो अखबारात में छप चुके हैं कि दर हकीकत कोशिश ही की जा रही है कि जूलियन असांज को पहले गिरफ्तार करके स्वीडन लाया जाए और फिर स्वीडन से उसे एक्सट्राडाइट किया जाए, उसका कानूनी इनखला किया जाए अमरीका में, जहाँ पे चार्जेस प्रेस किए जाए। चूंकि अभी तक अमरीकियों को कुछ चार्जेस क्लियर समझ नहीं आए, लेकिन अमरीका में लाए जाए। अमरीका के जो अटर्नी जनरल हैं एरिक होल्डर, वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि हम जूलियन असांज को लाएंगे और इस पर मुकदमा चलाएंगे। आपको क्या समझ आ रही है? ये पूरी दुनिया में जो सबक सिखाया जाता है दुनिया को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का और आज़ादी सहाफत का, हर तरह की आज़ादी का, वो उसका मजाक सा बन गया है। क्योंकि जैसे ही ये जो सुई है ये अमेरिका की तरफ जब आई, तो अमेरिका हक्का बक्का होके चारों तरफ फायर करना उसने शुरू कर दिया और उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह इस पे काबू करे। मजेदार बात ये है कि चाहे, यानी जब अपने मफादात पे जद पड़ी है तो तमाम की तमाम जो वैल्यू सिस्टम था वो धरा का धरा रह गया है। बेशक, और इसमें जो ज्यादा मैं समझता हूँ अहम बात है, इसको अगर हम थोड़ा सा हटके देखें, वो ये कि जो विकीलीक्स करना चाहता था वो कर गया। थोड़ा सा मैं दोनों की तरफ आता हूँ। देखिए, आप दोनों जो है, एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पहला जो हमने